खास जावा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ाही पनीर। तो कड़ाही पनीर के लिए ये पनीर के क्यूब्स मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो आप बड़े और छोटे साइज के पनीर के क्यूब्स अपने हिसाब से काट सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर डाला है मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और नमक, थोड़ा सा नमक, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। मिर्ची पाउडर बहुत तीखी है मेरी, इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही डाला हुआ है मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मैं बाद में यूज करूंगी। इससे क्या होता है ना कि इसको हम जब फ्राई करेंगे तो पनीर फीकी फीकी सी नहीं लगती, बहुत अच्छा सा कोटिंग हो जाए तो बढ़िया लगता है खाने में। इसमें थोड़ा सा मैं जो है वो कश्मीरी मिर्च भी डालूंगी, तो क्या होगा ना कि इसका कलर बहुत बढ़िया आने वाला है। तो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च में डाल रही हूँ, इसके अंदर कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, कोटिंग बढ़िया से हो जाए इसकी। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म कर दिया है मैंने, इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। तो ये तेल हमारी ऑलमोस्ट गर्म है, चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल गर्म है। तो इसमें पनीर को हम फ्राई करेंगे। जब मैं हो गया था हमारा मैरिनेट में, अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। जब तक पनीर फ्राई होती है, दूसरे साइड में मैंने एक पैन रख रखा है और अब हम मसाला तैयार करेंगे इसका। तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ तेल। तो इसमें हम डालेंगे तेल, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला हुआ है और थोड़ा सा जीरा, हरी इलायची, 2 या 3 हरी इलायची आप डाल दें, लौंग 3-4 लौंग मैंने डाला हुआ है, ये काली मिर्च, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि पनीर मैंने 250 ग्राम का लिया हुआ है। तो 250 ग्राम पनीर के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट आप 1 बड़े चम्मच से ले सकते हैं, टेस्ट बढ़िया आता है। और इसमें मैं ऐसे रफली चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हमें ना रोटेट करना है मिक्सी में। अनियन थोड़ा सा हम भून लेंगे करीबन 2 मिनट के आसपास। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ मैं इसमें, तो अनियन बढ़िया भून जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं पनीर को। ये हमारी पनीर बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, पहला लॉट हमारा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल रेड कलर का हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया पनीर का। दूसरा वाला लॉट भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारा भून रहा है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे हम। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, रफली चॉप टमाटर है। इसको हम ढक देते हैं, चेक कर लेंगे जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हम गैस को बंद करके और इसे मिक्सी में रोटेट करेंगे। तो इसे हम ढक लेते हैं, ढक लीजिए इसे। ये दूसरा लॉट भी पनीर हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत यम्मी सा देख के ही लग रहा है। और जो ये तेल बची हुई है ना, इसी तेल में हम क्या करेंगे, इस तरीके से शिमला मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को इस तरीके से ब्लॉक में कट कर लिया मैंने और इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। क्योंकि कच्ची सब्जियां अगर हम डालते हैं ग्रेवी में ना, तो उसका स्वाद उतना बढ़िया नहीं आता। तो थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे करीबन 2 मिनट तक, और फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, इसका कच्चापन चला जाना चाहिए, तो कच्चापन बिल्कुल जा चुका है इसका, बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। ये कुक नहीं करना है, इसे फ्राई करना है। अब थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसी तेल में हम प्याज को फ्राई कर देंगे। प्याज भी देखिए मैंने क्यूब्स में काट रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे हल्का।
ये देखिए ये भी हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है। साथ साथ हमारी जो ये मसाले हमारे हैं ये भी बन चुके हैं। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे रोटेट करें। ये ध्यान रखें ठंडा होने के बाद ही रोटेट करें, अदरवाइज मिक्सी के बर्स्ट होने का चांस रहता है। तो वेट करते हैं ठंडा होने तक। ये देखिए मसाले का पेस्ट तैयार कर लिया मैंने, इसको एक छन्नी में छान लेंगे। इस तरीके से छानना जरूरी है इसलिए क्योंकि जो रफ एज है वो जैसे कि टमाटर का स्किन है या वो जो काली मिर्च डाली थी हमने वो है, तो वो सारा रफ एज इसमें निकल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा इसमें बच जाए फिर भी तो हम दोबारा से इसको एक बार और रोटेट कर लेंगे। इस तरीके से हम छान लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। कढ़ाई ऑलरेडी मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें मैं तेजपत्ता डाल रही हूँ, बेलीव्स और दालचीनी। ये देखिए दालचीनी डाला मैंने। इसके बाद ये जब गर्म हो जाए थोड़ी सी फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, तब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और मैं ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। हल्का सा बस सौटे करें, इसको जलाना नहीं है और तुरंत ये प्यूरी डाल दें इसके अंदर। अगर बहुत देर तक मिर्च को आप तेल में डालेंगे तो मिर्च जल जाएगी और उसका कलर खराब हो जाएगा, टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसे पकने देंगे हम करीबन 1 मिनट तक। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम ये शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स जो हमने फ्राई किए थे सॉटे किए थे वो डाल देंगे और नमक हम इसमें बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको याद होगा पनीर में भी नमक डाला था मैंने और ये जो प्यूरी बनाया है इसमें भी नमक डाला था मैंने। तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, बाद में अगर जरूरत हुई इच्छा के अनुसार तो हम नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ढक देंगे और ढक करके हम पकने का थोड़ा सा इसको वेट करेंगे, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं इसे। इसमें थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी मसल के डाल रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल बढ़िया से पक चुके हैं ये देखिए, और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये देखिए जो पनीर था वो मैंने पनीर डाल दिया इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया लाजवाब लग रहा है। इसे हम पनीर को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो करारापन है पनीर का, जो मैंने फ्राई करा था तो पनीर करारी हो गई थी, वो फिर करारापन चला जाएगा। तो बिल्कुल ये तैयार है खाने के लिए। गैस ऑफ कर देंगे हम और गैस ऑफ करके इसको ढक देंगे करीबन 1 मिनट के लिए। दालचीनी निकाल दीजिए इसमें से, मैं निकाल देती हूँ दालचीनी और तेजपत्ता, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो तेजपत्ता ढूंढ रही हूँ, ये देखिए तेजपत्ता और दालचीनी मैंने हटा दिया। गैस ऑफ हो चुका है और गैस ऑफ करके इसे हम 1 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। वाओ बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी, ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। ये जो क्यूब्स है ना इसके प्याज के और शिमला के, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ममाज ढाबा को। ममाज ढाबा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।